welcome to everyone present here. So I welcome you all in the Srijan Dev Talk episode 3. And I would like to share some brief insights on Sandeep sir academic and personal profile. Sandeep sir belongs from Morena, Madhya Pradesh and has done his schooling from Riva, MP. Then further pursued his higher qualifications from JP University of Engineering and Technology, JUET, Guna, MP. And he pursued the branch of electronics and communication. And यहाँ से उन्होंने अपने final year में जाके ये decision लिया that he want to serve his nation by opting for civil service examination. तो यहाँ से उनकी civil service की परीक्षाओं की तैयारी 2015 में उन्होंने अपनी तैयारियां स्टार्ट करी. And then from 2018 he joined the mission of DIYA, Diva Association, and these proved to be the milestone in his life, where he actually started to serve his society and nation by educating the students of slum area. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि DIYA के एक इनिशिएटिव है बाल संस्कार शाला, जिसका मोटिव है स्लम के बच्चों को जाके एजुकेशन देना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और संदीप सर ने इस बाल संस्कार शाला के प्रोजेक्ट को बहुत ही मेहनत से सींचा है और उन्होंने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. साथ ही उनकी हॉबी भी है कि वो बच्चों को जाकर स्लम एरिया में पढ़ाना उनकी एक हॉबी है. साथ ही कैलीग्राफी भी उन्हें बहुत पसंद है, आर्टिस्टिक है उनका माइंड और काफी क्रिएटिव भी है. और वो DIYA डेडी के कोर टीम मेंबर हैं, चाहे वो उन्नति मेंटरशिप प्रोग्राम की बात हो या संभवम की बात हो. He has always been there to serve and support as a pillar for DIYA Delhi. साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भी इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, चाहे वो कोलैबोरेशन का हो, चाहे चीज़ों को किस तरीके से किया जाए इसके बारे में हो, सदैव से ये जो पथ रहा है ये संदीप सर का ही रहा है कि वो हमेशा से अपनी टीम को एक नए नज़रिए से काम करने का एक इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट करते रहते हैं. तो उन्होंने एक चीज को प्रूव किया अपने लाइफ में, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस. हाउ? उन्होंने 5 राउंड में यूपीएससी क्लियर करी है. 2-3 बार वो इंटरव्यू राउंड तक के गए हैं, 2 बार वो नहीं सिलेक्ट हुए, लेकिन 3rd टाइम ही नेल्ड दैट इंटरव्यू राउंड. सो व्हाट वी गॉट टू लर्न हियर कि फेलियर से आपको डरना नहीं है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी. And he's a multi-talented personality. जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, लेकिन सर ने बच्चों को पढ़ाया भी है, अपनी एक्टिविटीज भी DIYA के साथ कंटिन्यूसली उन्होंने अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई हैं और साथ ही अपना UPSC भी क्लियर किया है. तो ही इज एन चार्मिंग एंड डैशिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. बुलाना चाहूंगा हमारे प्रिय संदीप भाई, जो कि जिन्होंने DIYA के लिए हमेशा, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे कुछ अनुरोध किया जाए कि आप आइए, और उनका इंटरव्यू हो चाहे रिटर्न हो या जो भी हो, अपना सब कुछ छोड़ के वो आते थे और यहाँ समय देते थे. और आज उसी का परिणाम ये है कि ईश्वर ने उनको एक अवसर दिया है कि वो DIYA से भी ऊपर उठकर पूरे देश को, पूरे विश्व को सेवा करने का मौका दे रहे हैं वो. तो इसी के साथ मैं संदीप जी को बुलाना चाहूँगा. थैंक यू भैया, थैंक यू राजेश भैया, मनीष भैया जी. वेल आप लोग से ही सीखा है मैंने काफी सारी चीजें, और थैंक यू सो मच कि एंड सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप जानते हो काफी स्ट्रगल हो रहा था. इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम्स पहुंच के और फिर वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो थैंक यू. एंड ओवरऑल अब मैं अपनी कुछ जर्नी और कुछ टिप्स शेयर करूंगा, बट ये स्ट्रैटेजी नहीं है. ओके, सो आई एम नॉट शेयरिंग द स्ट्रैटेजीज. मैं आपके सामने सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंसेस पुट करूंगा जिससे आप लर्न कर सकते हो. स्ट्रैटेजी के सेशंस मैं, अरविंद, शुभम, हम लोग कभी एक सेशन रखेंगे जहां पर हम लोग सिर्फ यूपीएससी के बारे में बात करेंगे. बिल्कुल स्ट्रैटेजी कि ये चीजें होनी चाहिए, ये कोर्स यहाँ से खत्म करना है, ये वाला सिलेबस यहाँ से करना है. ओके, सो वेल मनीष भैया, कितना टाइम है मेरे पास बोलने के लिए? आज आपका दिन है तो आज आप नहीं, बिल्कुल भैया, मैं ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और आप देखोगे कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन, मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन, उनकी स्टोरीज में सुन सुन के बड़ा हुआ। तो मैं गांव में पैदा हुआ था, चंबल एरिया का एक छोटा सा गांव है, और पर मेरे बाबा जो थे वो बहुत काफी पढ़ाई लिखाई में काफी इंटरेस्ट रखते थे। तो वो इंटरेस्ट की वजह से वो टीचर बने, टीचर से हेडमास्टर बने, उनने अपने बच्चों को पढ़ाया, जिसमें पापा जो थे वो थोड़ा अच्छा पढ़ गए, थोड़ा सा अच्छा टेक्निकल लाइन में चले गए, और उनकी वजह से फिर मैं भी मुझे वो क्वालिटीज मिली। तो जनरेशन वाइज हम आगे बढ़े, है ना। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक तो सिर्फ हमारे घर में सिर्फ अपना अपना चल रहा था। लाइक मैंने बताया ना कि हेडमास्टर क्यों बनना है या फिर हम टेक्निकल सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो अभी मैंने देखा अपने फादर और सबसे जाना, तो उनका प्राइम मोटिव होता था कि हम सैलरी कमाएं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा कर सके। तो वो मैं समझ रहा था कि ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो आगे बढ़े थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ जब मेरे पापा ने, ग्रैंडफादर ने मुझे ये मोटिवेट किया कि अब हमारी फैमिली सेट हो गई, अब हम लोग भूखे तो मरेंगे नहीं, अब तुम कुछ बड़ा करो, अब अपने लिए मत करो, अब समाज के लिए करो, अब तो सोसाइटी के लिए करो, इंडिया के लिए करो, वर्ल्ड के लिए कुछ करो। मींस फ्लाई हायर देन ये जितने भी हैं। तो ये एक मोटिवेशन था बचपन से, बट मैं इतना सीरियस नहीं था पढ़ाई में, बड़ा एवरेज स्टूडेंट था मैं। और मैं आपको क्या बताऊं, राजेश जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो IASC से पढ़े हुए हैं और पता नहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी जो हम लोग ड्रीम में भी नहीं सोच सकते। बट आई वॉज वेरी एवरेज, मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई एम स्पोर्ट्समैन एक्चुअली, सिर्फ स्पोर्ट्स में ध्यान रहता था मेरा। 11th-12th लोग IIT की कोचिंग करने जाते हैं, मैं बास्केटबॉल की कोचिंग करता था। सो मेरे प्रायोरिटीज बिल्कुल अपोजिट थे। जैसे तैसे AIEEE में मेरी 1000s में रैंक आई थी उसकी, तब भी आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल गया। मैं गया वहां पर, GP सोलन में था मैं, सोलन हिमाचल प्रदेश में है, और वहां पर मैंने अपनी बीटेक की। अब यहाँ मेरी लाइफ में चेंजेस आए। अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि बीटेक करेंगे, बढ़िया लाइफ चलेगी, बट एक बहुत बड़ा वो हुआ कि वहाँ पहाड़ों में मेरा एक कॉलेज था। इतने पहाड़ थे, पहाड़ी पहाड़, और बर्फ गिर रही है, ऐसा लगता था जैसे कहीं हेवन में है। तो हम लोग घूमने चले जाते थे पहाड़ों में। जब हम पहाड़ों में घूमते थे तो हमें ऐसा दिखता था कि यार एक गाँव है छोटा सा, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटा गाँव है। हमें समझ नहीं आता था कि पानी कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगी, कैसे ये लोग काम करेंगे, मतलब कैसे ये, हम तो सिटी में रहते हैं, हमें सब मिलता है, पर इनको क्या खाना मिल रहा है, इनको स्ट्रीट लाइट्स हैं। ये कुछ चीजें थी। तो हम सबने एक ग्रुप बनाया और हम गए गाँव में। तो हम गाँव गाँव जाते थे, उनकी प्रॉब्लम समझते थे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। जितना पैसा हमारे पास होता था हम कलेक्ट करते थे पैसे लोगों से, और फंड रेजिंग से हम उनको ठीक करते थे। तो एक प्रॉब्लम थी बड़ी यूनिक सी के स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो नाइट लाइफ ही नहीं है उनकी। जैसे 5 बज जाते थे वो कहीं बाहर नहीं निकलते थे, और वाइल्ड एनिमल्स, लेपर्ड और पता नहीं कौन है, ब्लैक बियर्स, वो लोग बहुत आसपास रहते थे। तो आप ये समझ सकते हो कि आज हम 10 बजे घर जा रहे हैं जॉब करके, वहां नाइट लाइफ ही नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती है। तब हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई, और स्ट्रीट लाइट्स में हमें कुछ मेहनत नहीं लगी, हमने पैसे इकट्ठा किए 100-100 रुपए सबसे, और हम कुछ 15-20,000 से हमने स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल कर दी। और जब हम गए बाद में 1-2 साल बाद, तो हमारा वेलकम ऐसे हुआ जैसे बिलीव नहीं कर सकते। और फिर हमें समझ में आया कि यार ये कोई छोटी चीज नहीं कर रहे हम, कितने बच्चे होंगे जो रात में ये जा सकते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ने जा सकते हैं या फिर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। आज वाइल्ड लाइफ जो अटैक हो रहे थे वो कम हो गए उस लाइट की वजह से। इतनी सारी चीजें हो जाती हैं आपके एक छोटे उससे, कि आज महिलाएं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं स्ट्रीट लाइट से। अब मैंने देखा, मैंने कोई बड़ी चीज नहीं करी है, बहुत छोटी सी है स्ट्रीट लाइट्स, कोई बड़ी चीज नहीं है। 15-20 हजार कोई भी, आप किसी किसी की तो सैलरी होती है 1 लाख रुपए, और आप 20 हजार तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और 20 हजार तो हमने तब किए थे जब हम स्टूडेंट थे। अब तो हम सर्विसेज में आ गए, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। बट जो मैं कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि फिर हमें जो रिस्पेक्ट मिला और फिर जो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिला वो मेरे को अपनी पूरी बीटेक की 4 ईयर से डिग्री से नहीं मिला, जबकि मेरा पॉइंटर बहुत अच्छा था। एक मेरा रिसर्च पेपर वायरलेस सेंसर नेटवर्क में बड़ा पब्लिश हो गया था फॉरेन उसमें जर्नल्स में, तो एक प्राउड था। बट जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैचेबल नहीं है, ये हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है यार ग्राउंड पे, क्या हो रहा है? मतलब पानी नहीं पहुंच रहा है, लोग स्ट्रीट लाइट्स नहीं है गाँव में। तो ये वाली चीजों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे को समझ में आ गया लास्ट ईयर मेरे को क्या करना है। अब मैं जानता था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, okay. तो जैसे ही मुझे पता था कि बहुत डिफिकल्ट है तो मैंने अपना प्लान इस तरीके से ही बनाया था कि लगेंगे 3-4 साल पर मैं छोड़ूंगा। तभी मैंने ये सब डिसाइड करके अपनी जॉब छोड़ी जो मेरे को मिली थी उसमें, और फिर मैं डायरेक्टली प्रिपेयर करने स्टार्ट कर गया, ओके। और अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं काफी लकी था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था ये सब चीजें सीखने में। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल आया, पर इंटरव्यू में काफी कम नंबर है, उसकी वजह से मेरा हुआ नहीं। यस प्रियंका, आई विल टेक अप, मतलब मैं डाउट्स लूंगा एज सुन एज मैं जो कहना चाहता हूँ वो कंप्लीट कर दूँ, ओके थैंक यू। अब देखो क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सब कुछ हो गया, और आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं अब सर्विसेज में आ जाऊंगा बड़ी यंग एज में, 22 ही था मैं तब, 22 था। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, बट इंटरव्यू में काफी कम नंबर आए, काफी मतलब एवरेज से कम थे। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि इंटरव्यू में क्यों कम आ रहे हैं। तो ग्रेजुअली जब हमें समझ में आया कि यार पर्सनैलिटी जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो उन्हें डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई आप सब कर सकते हो, पढ़ाई करना इज नॉट अ बिग थिंग। प्रीलिम्स है, मेंस भी निकल जाएगा, पर ये पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ क्लियर करने के लिए नहीं, आगे की सर्विसेज के लिए भी। सो दैट्स व्हाई हमने ऐसा प्लान बनाया, मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे इवॉल्व करूँ, पढ़ाई से भी ऊपर। अभी तक सिर्फ पढ़ाई चल रही थी। तब मैंने 2018 में दिया को ज्वाइन किया, दिया दिल्ली। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा मौके मिले, अब यहाँ मेरा वो फिर से काम चालू हो गया। तो मैं जाता था स्लम एरियाज में, हम कैसे डेवलप करें, स्कूल्स बनाते हैं और रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, एम को कैसे डालें बच्चों के अंदर कि वो लोग ऐसी गलत चीजों में ना पड़े, जैसे वहाँ गैम्बलिंग होती है, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, ये जो ड्रग्स हैं, इन सब चीजों से बच रहे हैं कि नहीं, एंटी सोशल एक्टिविटीज जैसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें समझ गया था मैं। और ये वाली चीजें हम समझे और हमने सॉल्यूशंस उसके निकाले और हमें काफी सेटिस्फेक्शन मिला। आज बीएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है और रिसेंटली वी गॉट वेरी गुड सक्सेस रिजल्ट ऑल्सो, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, बहुत अच्छा लगा। 10th and 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ये कुछ चीजें थी जो जिसने मेरी पर्सनैलिटी को ना इवॉल्व किया है। पता है आज मैं कुछ भी करूं, कहीं भी रहूं, अभी भी जैसे अभी मैं विशाखापट्टनम में हूँ, अभी मेरा रिजल्ट आया हुआ मेरे को 2 दिन नहीं हुए, बट मेरे को काफी ज्यादा कॉल्स आए और बहुत सेलिब्रेशन पड़ रहा है, बट आई एम वेरी मच ग्राउंडेड, सो दिस हेल्प्स यू इन दैट। अब जब मेरा नहीं हुआ था पिछले साल तो मैं डिप्रेस था, पर एज कम्पेयर टू अदर पीपल इतना डिप्रेस नहीं था कि मैं दुखी वाले जो गाने होते हैं वो सुन रहा हूँ या ड्रग्स ले रहा हूँ या सिगरेट दारू पी रहा हूँ। बहुत सारा ऐसा होता है डिप्रेशन में, इन सब चीजों में पढ़ा ही नहीं। क्यों? बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। ये करना था यार, इसीलिए कर रहे थे, है ना। तो मैंने बोला अब अटेम्प्ट तो है दो और अब सक्सेस हमें मिल गया। दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये चीज समझें, ओके। सो अभी जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि सक्सेस इज नॉट फाइनल। उसका एग्जांपल ये कि अभी हम लोग जैसे मैं हमारा रिजल्ट आ गया, पर अभी भी हम लोग एतिपोक्का टॉयज यहाँ पर बहुत फेमस है विशाखापट्टनम में। तो अब वी आर ट्राइंग, यहाँ पर मैं कुछ संस्थाओं से ऐसा, मतलब मेरा वो है, कुछ लोग हैं मेरी बिल्डिंग में जो ऐसा कुछ करते हैं। मैंने उनसे बोला क्यों मुझे भी ले चलो वहां पर, जो हम लोग कुछ उसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकर जाएं वो टॉयज को, जिससे जो ट्राइबल एरिया है जो विशाखापट्टनम में जो बहुत ही लो डिप्राइव्ड है वो आगे बढ़ सके। अब मुझे पता नहीं है मेरे को कौन सी सर्विस मिलने वाली है, आईपीएस या आईआरएस, कौन सी, आई डोंट नो, बट सी यू हैव टू बी कमिटेड टू द पब्लिक सर्विस. ओके, कमिटमेंट होना चाहिए यार. अभी मेरा नहीं भी होता ना तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता. हमेशा अपने आप का एक पार्ट, अराउंड 20-30% ऑफ टाइम, मनी आपको सोसाइटी में लगाना है. उसका कोई विकल्प नहीं. ओके, क्योंकि मैंने कॉलेज में ये सीखा था, तो हम ये कहते थे, काफी एक बहुत वो था कि यार आज हम केले खा रहे हैं या फिर हम सेब खा रहे हैं, तो भाई शिमला में सेब कहाँ से आए हैं, तो वो एप्पल कल्टीवेशन हो रहा है वहां पर. तो आप ये देखिए, सोसाइटी आपको देती है, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे. आपके फादर मदर या फैमिली नहीं है, वो किसान भी है जो गेहूं उगा रहा है कि आप रोटी खा लो, या चावल कोई उगा रहा है, या कोई पॉलिटिशियन है जो मेहनत कर रहा है कि सर्विसेज पहुंच जाए, या कोई ब्यूरोक्रेट है जो IAS है, IPS है, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जाके रिपोर्ट कर सकते हो. पूरी सोसाइटी चल रही है आपके साथ, पूरा वर्ल्ड चल रहा है. ओके, और आप आज के टाइम में, तो हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, तो आप भूमंडलीकरण, तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो तेल आ रहा है वो मलेशिया से आ रहा है, आपके कपड़े जापान से आ रहे हैं. तो आप ये समझो कि वर्ल्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ, आपने क्या किया उनके लिए. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है. जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक देखो एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ आप करो मत कि मैं समाज को अच्छा करूंगा, नहीं, ये इसमें एक स्वार्थ भी है. गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, और मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आप को तभी ढूंढ सकते हो जब आप दूसरों की सर्विसेज में खो जाओगे. दूसरों को सर्विस देने में खोओगे तभी आप अपने आप को पा सकते हो. भागवत गीता में भी यही लिखा है कि जो पर्पस है हमारी जिंदगी का वो है सेल्फ रियलाइजेशन. What do you mean by self realization? अपने आप को जानना कि मैं हूं कौन. ओके, तो जैसे एक पेड़ है, आपने ये देखा होगा कि वो वही पेड़ ज्यादा बढ़ सकता है जिसके रूट्स बहुत ज्यादा डीप तक गए हैं, जो बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन किए हुए, बैक्टीरिया, फंगी, जिनने दूसरे जो जानवर, जीव जंतु उनको खाना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो वही आगे बढ़ पाए हैं. तो ये एक कुदरती नियम है कि जिसने दूसरों के लिए किया है वही ऊपर बढ़ा है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये लॉ है एक तरीके से. भागवत गीता से लेकर, बाइबल से लेकर, आप कोई भी किताब पढ़ लो, रिलीजियस बुक पढ़ लो, चाहे एंशिएंट फिलोसोफर्स की बुक पढ़ लो, एरिस्टोटल, हेडोनिज्म और स्टोइक, एवरीथिंग यू रीड यू विल फाइंड द सेम थिंग, दैट इज स्टार्ट गिविंग बैक. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बिकम एन IAS और क्लियर UPSC. दैट इज नॉट द पर्पस. पर्पस इज कितने काम आ पाए आप अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, लोकल रीजन के लिए, कुछ भी. ओके, सो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे ट्यून करिए कि आपका दिमाग ही ऐसा हो जाए कि आप ऐसे ये नहीं बात कर रहे कि यार ये लड़का खराब है, ये लड़की है, ऐसे कपड़े पहनी हुई है, और ये टॉक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये टॉक्स होनी चाहिए कि यार एक लड़की है ट्राइबल एरियाज में, कैसे हम उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस शुड बी योर माइंडसेट. ओके, अगर आपको इस सर्विसेज में आना है और आपको क्लियर करना है एग्जाम, इसके लिए भी आपको अंदर से खुश रहना है अपनी पूरी जिंदगी पर, इसलिए भी, और इसलिए भी कि आप जब मरो, और मरना हम सबको ही है, आपको सबको पता है, ये डस्ट वी आर एंड वी शैल रिटर्न टू द डस्ट. ओके, एज सिंपल एज दैट. एक रैंडम ऑब्जेक्ट है अर्थ, बहुत सारी गैलेक्सीज के बीच में एक रिवॉल्व करता हुआ एक सन के अराउंड, एक नॉर्मल एवरेज वो हम एक स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज, जो डेवलप कर गई है बाय गॉड्स ग्रेस, तो हम इतनी बातें कर पा रहे हैं. हम लोग डस्ट हैं एंड डस्ट को ही रिटर्न करेंगे. एज सिंपल एज दैट. चाहे मैं आप IAS हो, प्राइम प्रधानमंत्री हो, बहुत आए और बहुत गए. ठीक है, जो जितना दे पाए, बस इसी की ही जिंदगी है. ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट ओनली. अभी भी जैसे मेरे पास काफी टाइम है, मेरे को मन नहीं कर रहा है वेस्ट करने में, ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊं कहीं यार. जैसे मैं आप लोगों से बात करने आया, मैं क्यों बात करने आया कि शायद किसी एक को भी अगर ठीक लग गई मेरी बात, अब वो शायद किसी दो को बता दे. यू नेवर नो, राइट? सो इसीलिए यू शुड स्टार्ट गिविंग. ओके, लेने की मत सोचो, देने की ज्यादा सोचो, ज्यादा पीसफुल रहेंगे। और मैंने एक और चीज देखी, देखो पता है एक बहुत अच्छी चीज होती है लाइफ में, लाइफ बहुत अपोजिट सी चलती है यार, पता है मतलब कैसी अपोजिट है कि as soon as you lose yourself into the service of people, you find yourself, ठीक है। और जैसे आप कंप्लीट सरेंडर करते हो तभी आप जीतते हो। तो आप देख रहे हो ये सब अपोजिट चीजें हैं, खो जाओगे तभी अपने आप को पा सकते हो, सरेंडर कर दोगे तभी जीतोगे। ओके सो इसीलिए मैं आपसे एक चीज, ये भागवत गीता में लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब अपोजिट में जाओ, इंटरनल में नहीं एक्सटर्नल में पहुंचो, पता करो चीजों के बारे में क्या हो रहा है मेरे अराउंड, और इंटरेस्टेड रहो। जैसे जब हिमालय की पढ़ रहा था मैं ज्योग्राफी में, तो मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि हिमालय से ही मैं था, मैंने पढ़ाई हिमालय में करी है, तो मेरे को ऐसा लगता हाँ यार वो पहाड़ ऐसे थे, मिट्टी उसकी ऐसी थी, अब भाई उसमें जियोलॉजी उसकी ऐसी थी, अच्छा वो क्लाइमेट कैसा रहता था, अच्छा कौन सा मेरे को लेपर्ड दिखाया वहां पर, तो भाई लेपर्ड कैसे रह रहे हैं वहां पर। तो एक वो जो चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, सो वो आपको डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। ये आप ये समझ लो दिस इज अ काइंड ऑफ सन और सोलर सिस्टम। अगर आपकी सक्सेस सोलर सिस्टम है तो ये सन है, ओके इसी के थ्रू सारी एनर्जी आएगी आगे पास। कि मैं जानता हूँ एक दो या तीन अटेम्प्ट देने के बाद लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, मेरे को नहीं करना भाई, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, और जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ जिएंगे कि यार एक और अटेम्प्ट दे देते तो भाई ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो मैं तुम्हें ये फोर्स कर ही नहीं रहा कि ये सब, तुम तो बस अपने आप को सर्विस में लगा दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें अंदर से आवाज आएगी कि भाई एक और अटेम्प्ट देते हैं, कंट्री के लिए तो करना है, एक अटेम्प्ट देने में क्या दिक्कत है। और अगर मैं बन गया तो पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा, ये तो आप दिमाग में आ जाएगा ना यार, तुम्हारी एनर्जी डबल या ट्रिपल हो जाएगी कि सिर्फ मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इतने सारे लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये वाली चीज जो एक वो है वो आप अपने अंदर लाइए पर्सनैलिटी में, ठीक है, ये मैं सजेस्ट करूंगा। अब ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ शॉर्टकट में कि क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एज इफ सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, ठीक है। तो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मैंने आपको इतने सारे फंडे बताए, ये आप कर सकते हैं। आप यूथ मोटिवेशन जो प्रोग्राम मनीष भैया ऑर्गेनाइज करते हैं इनमें आइए और देखिए कि मैं कैसे, अब आप डिप्रेसिंग स्टेजेस में भी आएंगे तो वो आप उठोगे, उनसे उठ जाओगे अगर आप ये सारी चीजें अपने अंदर डालते हो तो, ठीक है। मोटिवेशन प्रोग्राम्स में आओ, इंटरेक्ट करो लोगों से, मेरे से भी बात कर सकते हो, राजेश जी से बात कर सकते हो, वेल क्वालिफाइड इंटेलिजेंट पर्सन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट यू गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यूज दैट रिसोर्स प्रॉपर्ली। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत ही कम लोगों का होता है, ठीक है, बहुत कम लोगों का होता है। और जितने मेरे दोस्त हैं और मैं जितने, हम सबका कैरेक्टर मैंने लगभग सेम ही देखा है, उनने भी अपने कॉलेज में यही सब मचाया था, यही मेहनत की और सेम मोटिवेशन से आए। और मैंने बहुत कम लोगों का देखा है जिनका कोई निजी वो होता है, वो निजी जिनका एक पर्पस होता है ना कि मेरे को अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, वो उनका निकलता नहीं है, पता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा क्योंकि उनका पर्पस बड़ा छोटा सा है। अब फैमिली तो इससे भी खुश हो सकती है कि तुम स्टेट सर्विसेज में हो जाओ, तो उनको ऐसा लगता है बस फैमिली खुश होगी, मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, ऑटोमेटिकली आप राइज कर जाते हो। ओके सो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। ओके नाउ दूसरी चीज ये है कि इंटरेस्ट अपने बढ़ाओ, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। ओके मैंने एक चीज देखी है, अब पढ़ाई करते करते डिप्रेसिंग मूड आता है तो कैसे अपने आप को उससे निकालोगे, तो अपनी हॉबी डेवलप करो। इसीलिए मैंने अपनी हॉबी, तुम आप सबने देखी कैलीग्राफी, सो आई एम अ कैलीग्राफर, आई डू अ लॉट ऑफ ब्लैक लेटर कैलीग्राफी, कैलीग्राफी फोरम्स इंटरनेशनल डोमेस्टिक, मैं काफी एडेड हूँ लोगों से और मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनसे और मैं अपनी स्किल डेवलप करता हूँ कैलीग्राफी की, और स्पेशली मैं ब्लैक लेटर कैलीग्राफी करता हूँ। और मैंने काफी बड़े बड़े लोगों को भी गिफ्ट दिए हैं, सोनम वांगचू है जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, मैं उनको गिफ्ट देता हूँ कैलीग्राफी में लिख के। सो इस तरीके से आप अपने कुछ इनोवेटिव सी कुछ चीजें क्रिएट करो अपनी लाइफ के लिए जो तुम्हें उन सब चीजों से निकाल देंगी, डिप्रेशन से, सैडनेस और पता नहीं क्या क्या। या जब हमारे पास जैसे अभी टाइम नहीं है, जैसे टाइम बहुत है, गर्मी छुट्टी में आप फ्री हो, क्या करोगे? आपका माइंड गलत गलत चीजों में घूमेगा, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। इससे बढ़िया ये है कि आप एक हॉबी बनाओ, डेवलप करो चीजों को। कैलीग्राफी से यू विल नॉट बिलीव, मेरे को ऑफर्स तक आए कि हम आपको पे करने को तैयार है, आप हमारे लिए कैलीग्राफी डिजाइन कर दो। बट ये मैंने कभी किया नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी हॉबी है, पैसे कमाने के लिए नहीं किया था मैंने तो। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस कुछ चीजें नहीं भी होती तो आप वो हॉबी भी परस्यू कर सकते। तो इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि दिया दिल्ली में मेंटरिंग द स्लम चिल्ड्रन, इस बार मैंने इंटरव्यू में बोला, मैंने इसी बार इंटरव्यू में ब्लैक लेटर कैलीग्राफी का भी जिक्र हुआ था, कई क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आराम से बताया, उनसे एक कॉन्फिडेंस आया मेरे पास। और शायद अभी नंबर आए नहीं है, पर मैं लग रहा है मुझे कि मेरे इंटरव्यू में अच्छे होंगे, क्योंकि एक बिकॉज मैं एक जनरल कैटेगरी का हूँ, जनरल में काफी वो होता है, सो मेरे काफी अच्छा एक रहा होगा। पिछले 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू में इतने अच्छे नहीं आ पाए थे। तो ये वाली चीज जो एक एस्पेक्ट है वो आप अपनी पर्सनैलिटी में डालो। दिस इज नोन एज वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। ये क्लियरली मेंशन्ड है यूपीएससी के सिलेबस में, जब वो आपको बोलता है कि ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग। ओके, सो ओवरऑल पर्सनैलिटी मैंने आपको डिफाइन कर दी, ऐसे रखो, आगे बढ़ो। और दूसरी चीज है स्टार्ट डूइंग समथिंग। ओके, उससे बहुत रास्ते भी निकलते हैं, पता है, ऐसे ऐसे रास्ते निकलेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो गया। अब मैं तो पीयूष मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी वजह से दिया से जुड़ा। आज मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, दिया फैटर्निटी पूरी कॉन्ग्रेचुलेट अगर करने पे आ जाए आपको तो 1000 वो आते मैसेज आपको, 1000 चैट्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैसेज एवरीवन। मेरे को लगा मैं कितनों को थैंक्स बोलूं यार, मतलब ऐसा मैंने कौन सा वो कर दिया। और दिया फैटर्निटी इज सच बिग, and Diya Delhi, Diya Mumbai, Diya this, that, and whole of this are very big. Okay, so that's why मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो। और अब जो आपके कुछ doubts हैं वो I can take it up। और strategy मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, हम strategy के बारे में बहुत ही detail में discuss करेंगे। और कहा जो हम लोग friends हैं, we will all decide for you कैसे करना है। Okay, but don't worry, राजेश जी, मनीष जी ने बोला ये संभवन प्रोग्राम भी हम सबने ही मिलकर डिजाइन किया था आप लोगों के लिए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत ही टैलेंटेड हो आप लोग, नो डाउट। और मैंने भी इंटरव्यू लिया था, राजेश जी भी थे, सब थे, और मुझे ऐसा फील होता था कि यार ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है रियली, और कुछ कुछ ने तो बहुत ही वंडरफुल किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वेरी वेरी गुड, आप लोग सब बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, क्योंकि मैंने कुछ कुछ को तो बहुत ही हाई हाई नंबर दिए, मेरे को ऐसा लगा भाई इनका तो होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो बहुत ही टैलेंटेड हो आप सब के सब, और 110% आई थिंक किसी भी हालत में मिनिमम 50% ऑफ आप लोग जितने 50% का 110% टॉप सर्विसेज में होगा नेक्स्ट ईयर डे और द नेक्स्ट ईयर, मे बी इट टेक्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स बट यू विल, I know that, क्योंकि you have that, तभी आपको सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, so have this confidence and आगे बढ़िए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हो। ओके मनीष भैया, और कुछ बताना है? नहीं, आपने सब कुछ कवर कर दिया है, और हम समझते हैं कि उसमें से कुछ अगर अपना लिया जाए तो जीवन बदल जाएगा, राज ही बदल जाएगा, और इसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कंक्लूड करें। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। निधि, आपका कवर। निधि प्लीज कोऑर्डिनेट। यस सर, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पुट अप द क्वेश्चन, दे कैन रेज देयर हैंड्स और पुट देयर क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बॉक्स। सो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड। Yes, Priyanka, you can ask your question now. Priyanka, please unmute yourself and ask your question. Hello, sir. Sir, I want to ask what were the questions which were bombarded on in the interview? Excuse, like Nidhi, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया, जरा बताना। Yes sir, Priyanka is asking कि आपको इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस मिले थे, how was the bombardment of questions and interviews? Okay, 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 okay. Hi Priyanka, questions मेरे ऐसे थे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चंस ऐसे थे कि मेरे से पूछा कि मेरे नेटिव एरिया के बारे में, मुरैना, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मुरैना किस लिए फेमस है, नीमच किस लिए फेमस है, वहां मेरा बर्थ प्लेस था नीमच मध्य प्रदेश में, वो किस लिए फेमस है, मैंने बोला ओपीएम के लिए फेमस है, तो बोलते थे कि ओपीएम बताओ, कि ओपीएम की खेती के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। उनने मुझसे बोला कि ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर को डिजाइन करो, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए ड्रग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के काफी क्वेश्चन पूछे, मतलब काफी नहीं, मतलब क्वेश्चन थे, बट टफ से क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरा बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। सो मेरे से बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए कि जो टीवी का रिमोट होता है वो उसके सामने चलाना पड़ता है ना, मतलब उसके पॉइंट करना पड़ता है, बट जो कार का रिमोट होता है वो कहीं से भी चल जाता है, आपने देखा होगा घर में बैठ के भी चल जाता है, तो इन दोनों में ऐसा क्या है, ये डिफरेंस बताओ। तो ये डिफरेंस आप कैसे जानोगे अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है, नहीं जान सकते। पर लकीली मैंने और मेरे दोस्तों ने ऐसा एक प्रोजेक्ट किया था, तो हमें पता था कि जो इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है इसमें, तो हमने बता दिया, तो मैंने उन्हें बोला कि सर इंफ्रारेड सेंसर्स हैं इसमें टीवी में, इसीलिए वो लाइन ऑफ साइट पे चलते हैं। उसके बाद मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा समझ में आया कि यार इस बंदे को पता है, तो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। ब्लैक लेटर कैलीग्राफी में करता हूँ, उसके काफी क्वेश्चंस थे, तो उनने मुझसे बोला कि संदीप हमें बताओ कि ब्लैक लेटर का नाम ब्लैक लेटर क्यों है, कैलीग्राफी कब डेवलप हुई थी, ठीक है, सत्यजीत रे जो एक फिल्म मेकर है उनका कैलीग्राफी के साथ क्या एसोसिएशन। तो इस तरीके से आपके जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है आपने, उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वो मैं आपको बताता हूँ, कि उन्होंने ये बोला कि रूल ऑफ लॉ आपके अनुसार क्या है, कानून का राज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहां आते हैं, और देखिए क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसे फेस कैसे किया है। तो अगर आपको नहीं आता है, ऑनेस्टली आपको बोलना है कि सर मुझे नहीं पता है, और आपको आता है तो उसे कॉन्फिडेंटली आंखों में आके डाल के बोलना है, ओके, चिल्ला के, ऐसे नहीं कि डर रहे हैं या फिर कुछ, क्योंकि आप एक टॉप मोस्ट सर्विसेज में, यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, आप उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपकी वो चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, है ना। सो ये है, एंड दिस वाज द क्वेश्चन। सेकेंड, आई वुड रिक्वेस्ट पूनम टू प्लीज पुट ऑन हर क्वेश्चन। पूनम, okay, moving on to the next, we are having Ajay Kumar ji with us, so I would request Ajay Kumar ji to please put his question forward. First of all, very good afternoon sir, I have a doubt sir, जब मैं कोई बुक पढ़ने लगता हूं सर, तो मुझे ये नहीं पता चलता सर कि कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी चीज पढ़नी है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं YouTube पे भी गया और कई लोगों से भी मैं पूछा, तो वो कहते हैं कि सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए सर। जब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस देख के पढ़ते समय कैसे डाउट आते हैं सर? जैसे मैं एक ज्योग्राफी का एग्जाम्पल लेके अपने डाउट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सर। जैसे सिलेबस में इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, अब रिवर इंडस कहाँ से जाती है, उसकी ये तो चीजें हैं, उसकी सर बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं सर, तो कौन सी ट्रिब्यूटरी किस जगह इंडस से जुड़ मिलती है सर, तो ये कैसे जाने कि कौन सी ट्रिब्यूटरी को हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ट्रिब्यूटरी को हमें हम स्किप कर सकते हैं सर? ये सारे डाउट्स बहुत सारे आते हैं सर, इसलिए क्लियर करिए। ओके ओके, हाय अजय। सो देखो एक्चुअल में क्या है कि होता क्या है कि बहुत ही ऐसा लगता नहीं कि आप पढ़े। देखो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो बुक लिस्ट है ना, जो टीचर्स बताते हैं, या फिर जो हम बताएंगे, जैसे तुम्हें इंडस के बारे में जानना है तो देखो इंडस का जो एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी में है बस उतना ही पढ़ना है। उसमें जितनी ट्रिब्यूटरीज है एक बार देख लो, श्योक और नुब्रा जो है बस, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें अपना पूरा सिलेबस एक ही सोर्स से पढ़ना है, कोई सा भी उठा लो, सब अच्छी किताब है, ठीक है। तो अब जो तुम्हें किसी ने तुम्हें टीचर ने बताई होगी कि ये बुक लिस्ट है, उस एक ही किताब को खरीदो, उस किताब को अच्छे से पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो और बस और चले जाओ एग्जाम देने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा एक भी पॉलिटी की किताब नहीं पढ़ी। अब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के डीडी बासु और वो पढ़ रहे, तब भी मेरा जीएस में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स रहता है, हमेशा हर अटेम्प्ट में रहा है। एथिक्स मैंने लेक्सिकॉन के अलावा कोई नहीं पढ़ी, कोई किताब नहीं पढ़ी, पर फिर भी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ आप एक ही सोर्स को पकड़ो, कोई सा भी पकड़ लो, उसमें जितना डीप में लिखा हुआ है उसको पढ़ो, ठीक है। डीप के उसमें घूमो मत, क्योंकि बहुत लोग घूम रहे होते हैं। एक किताब अच्छे से पढ़ाई कर लो, बस तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो तुम्हें बता देते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना, प्रीलिम्स में तुमने देखा होगा। तो तुम्हें कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज देखना इंपॉर्टेंट हो गया है, पूछा जाता है। तो तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी देखना होना चाहिए। अगर तुम जब मैपिंग में आते हो सबसे पहले, तो मैपिंग में सबसे पहले माउंटेन्स मत पढ़ो, ना ही तुम पास पढ़ो, ना ही तुम कुछ और पढ़ो, सबसे पहले रिवर पढ़ो। क्यों? क्योंकि रिवर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सो ये वाली चीजें मैं तुमसे कहूंगा, इस तरीके से प्रायोरिटी करके आप पढ़ोगे एक सोर्स के साथ, कोई डिफिकल्ट नहीं। और डेप्थ तुम्हें पढ़ते पढ़ते खुद ही आ जाएगी, सब एकदम रट सा जाता है। ओके, जैसे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी है पिछले कितने महीने, तब भी मेरे को इंद्रस की ट्रिब्यूटरीज याद है, ठीक है। सो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम द चैट बॉक्स। एक क्वेश्चन ऐसा है सर कि जो हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो नेटिव लैंग्वेज में ही होता है कि कैसे लैंग्वेज में हम लोग को इंटरव्यू देना होता है, व्हिच लैंग्वेजेस और द चूजन लैंग्वेज? या तो आप अपनी लैंग्वेज चुन सकते हो उसमें। मैंने इंग्लिश चुनी थी, इसीलिए मेरी इंग्लिश में अच्छा हूँ। आप हिंदी भी चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से हिंदी में लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अमित कुमार मिश्रा जी टू प्लीज पुट फॉरवर्ड हिज क्वेश्चन। अनम्यूट करिए आप। सर करने में अभी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जो वर्ड हैं वो मैक्सिमम ज्यादा चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। उसको हम कैसे सुधारें? इसके लिए वर्ड लिमिट ना, देखो वर्ड लिमिट के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, हर दिन एक आंसर लिख लो, ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा कि कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। और देखो एक और बहुत अच्छी हैबिट है, अपने आंसर राइटिंग का वो निकाल लो, समझ रहे हो, जैसे एक टाइमर। जैसे ही टाइमर खत्म होगा आंसर राइटिंग छोड़ देना। जैसे 8 मिनट का आंसर होता है, 8 मिनट बाद पेन रख देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुम्हें जब समझ में आएगा कि यार मेरा आंसर तो इनकम्प्लीट है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आंसर से कम लिखना चालू कर दो। ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बड़ी काम की थी। मैं मतलब पेन छोड़ देता था जैसे ही 8 मिनट या 10 मिनट हो जाते थे। सर जी लेकिन उसको सोर्स क्या है, मतलब लेखन को लिखने के लिए सोर्स क्या है सर, बेस्ट सोर्स क्या है, कहाँ से? मतलब एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके अलावा सर और कोई सोर्स है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, यहाँ आंसर का कोई सोर्स नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग से लिखने होते हैं आंसर। तो सारे आंसर तुम्हें अपने दिमाग से लिखने हैं, तो तुम अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि वो सोच सके। सर सोर्स मतलब बुक? हाँ, अच्छा देखो जो जनरल किताबें हैं उनसे तुम्हें सब मिल जाएगा। वो बुक लिस्ट है, वो हम शेयर कर देंगे आप लोग सबके साथ। ओके, बस उसको पढ़ लेना। आप लोग सबसे अनुरोध है कि अपना स्ट्रेटजी क्वेश्चन अभी नहीं पूछे, क्योंकि अभी एक जनरल क्वेश्चन पूछा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बाद में बात करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। स्ट्रेटजी के लिए तो हम स्पेशली आपसे मिलने वाले हैं अभी कुछ दिन में। ओके, और बहुत लोग हैं तो थोड़े क्वेश्चन अपने प्रिसाइज रखें, फोकस, ठीक है, ताकि सबको मौका मिल सके। ओके सर, थैंक यू। Yes, so further I would like to take another question from the chat box by Srijan Sarkar. She is again and again asking that she is an introvert kind of person जो इतना extrovert होके लोगों से interact नहीं कर पाती है, तो क्या उनके interview में कोई दिक्कत हो सकती है? In perspective of personality development, kindly guide on this. Okay, देखो actual में क्या है कि जब तुम जैसे इंट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट यू सेड, देखो कोई इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, पर क्या तुम अपने सारे व्यूज बहुत क्लियरली रख पा रहे हो या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप अपने सारे व्यूज अच्छे से रख पा रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे कुछ भी हो, बट अपने आप को कभी इंट्रोवर्ट बनाना नहीं चाहिए। जो नेचर ऑफ जॉब है वो एक्सट्रोवर्ट ही है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बैलेंस है पर लिटिल टू द साइड ऑफ एक्सट्रोवर्ट। क्यों? क्योंकि आपको लोगों से जाके पूछना पड़ेगा ना उनकी दिक्कतें क्या है, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। और ये सर्विसेज क्यों है? ये सर्विस है, हम लोग सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। ओके, सर्वेंट क्या होता है? सर्वेंट ऑर्डर नहीं देता है, ऑर्डर तो हमारे सर्विस में वो होता है, पहले हमें जानना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप तुम IRS अगर बनती हो या पुलिस बनती हो या IAS, आप ट्रेडर से बात कर रहे हो या बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रही है या एक ट्राइबल क्षेत्र से, तो एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें पर्सनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अपने आप को बैलेंस कर लो। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस कर लो, अपने फैमिली से अपने फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा बातें करो, उनके व्यूज समझो, उससे हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, sir. Next, I would like to request Sakshi Avasthi to please put on her question forward. Sakshi, are you there? Yes, sir. Exactly. So first of all, good afternoon, everyone. So my question is कि जैसे starting में हम लोग preparation start करते हैं तो हम लोग को problem होती है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार हमको ये भी नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर देखो तो, और मोटिवेशन भी कभी कभार लगता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, और डेली भी नहीं हो पाता है, तो वो चीजें होती हैं। तो सर उस समय कैसे मोटिवेट रखें खुद को और मतलब चीजों को कैसे कंटिन्यू करें? देखो ऐसा होता है, इनिशियली बहुत ऐसा लगता है यार कि बहुत कोर्स है और कैसे कंप्लीट होगा इतना सारा, क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, क्या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे पाऊंगी, वो सारी चीजें होती है। बट देखो यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि युवा, तुम्हारा सिर्फ फोकस सिर्फ आज का दिन होना चाहिए। ठीक है, आज के दिन ये मतलब ये समझ लो जो बॉल आ रही है तुम्हारे बैट के पास वो सिर्फ आज का दिन ही है, और इसको छक्के मार दो, बस एज सिंपल एज दैट। मैं एक दिन के ऊपर का सोचता ही नहीं हूँ, सही। मेरा एक ऐसी एक मैंने अपनी एक माइंडसेट बना ली है, जैसे मुझे आज के अलावा पिछला मुझे याद नहीं है, पास्ट हो गया खत्म, और जो आने वाला है वो आएगा, तो जो होगा सो देख लेंगे, पर अभी इंजॉय करना है। ओके, सो मेरे ख्याल से जब डिप्रेसिव मोमेंट्स आते हैं ना, आप सिर्फ आज का फोकस करो, आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे अगर आपने आज का ही फोकस किया है। अगर तुम आपकी मेमोरी को मैं ऐसे कट कर दूं ना, पास्ट निकाल दो, फ्यूचर निकाल दो, सिर्फ आज का दिन है आपके पास, तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे। सो ऐसा आप कर सकते हो। वेल, पर मोटिवेशन देखो कहना आसान है, आप किसी मोटिवेशन की कोई किताब पढ़ सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। वेल, एक चीज जो मुझे मोटिवेट करती थी वो सोशल कमिटमेंट था। मुझे ऐसा लगा था एक दिन में बन गया तो कसम से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपकी एक सोच रहेगी ना, तो आप ऐसा लगेगा यार डिप्रेसिंग क्या है यार, इतना कुछ करना है, इतने सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, करना ही करना है, तो इससे डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, बहुत आराम से आते हैं। तो इस तरीके से, और पेशेंस रखना है यार, सीरियसली, ऐसा एकदम पेशेंस, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, हर दिन 4 से 5 या 6 घंटे पढ़ाई करो बस, पर रोज कर लो, आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, क्योंकि एक्शन इज द बेस्ट मोटिवेटर, ऑलवेज रिमेम्बर। कर्म सबसे प्रधान है, सबसे, अगर तुम कर्म करते रहोगे डिमोटिवेट नहीं होंगे, तो बैठ के सोचोगे तो भाई फिर तो अंत नहीं है, माइंड ऐसा है घूमता रहता है ना। थैंक यू सर। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट पूजा, पूजा टू प्लीज अनम्यूट हरसेल्फ एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन। पूजा अनम्यूट करिए अपने आप को, आप अभी भी म्यूट है। I guess we are having some technical glitches with Pooja. So moving on to the next, can I request Rajni ji कि वो अपने आप को Rajni Dhiman ji तो please unmute herself and ask the question. And yes, you are audible. Unmute हो गया है वापस Rajni ji, please unmute your. Yes. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। सर सभी बोलते हैं कि अपनी एक हॉबी बनाओ, लेकिन उस हॉबी को आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारी हॉबी क्या है और हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि ये चीज हमें पता ही नहीं लग पाती कि ये क्या है। ओके देखो, इंटरेस्ट जो होता है ना वो तुम्हें पता करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें अपने अतीत में जाने की जरूरत है। यहाँ पर तुम जाओ स्कूल में, ऐसी कौन सी चीज थी जिसे करने में बड़ा मजा आता था? या मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी बचपन से, तो लोग बहुत बोलते थे कि भाई अपनी हैंडराइटिंग से, मेरा पहला पन्ना जो नहीं होता था वो बचपन में कॉपीज में जो फर्स्ट पेज होता था उसमें मेरा नाम लिखते अच्छे से डेकोरेट करके, तो मैं वो करता था। और करते 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 ऐसा मुझे एक आइडिया आया कि कैलीग्राफी क्यों ना की जाए जब आई एम गुड एट इट। इस तरीके से छोटे छोटे कुछ इंस्टेंसेस होंगे तुम्हारी आपकी लाइफ में जहां आप देखोगे कि यार ये मैं इस चीज में बड़ी अच्छी हूँ, मैं वायलिन अच्छा, या मैं हारमोनियम अच्छा बजाती हूँ, या फिर मैं गाती बड़ा अच्छा हूँ, या फिर मैं मेरा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा है ना। कुछ भी एक चीज देखो, हॉबी तो बहुत सारी, ट्रैकिंग, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, कुछ भी ऐसी एक चीज आप अपनी ले लो। उससे क्या होगा ना, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी वो चीज। तो बेस्ट फ्रेंड देखो क्या है, बेस्ट फ्रेंड आपके सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, आपकी किताबें भी होती हैं। कुछ किताबें होती हैं जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड आपके हॉबीज होती हैं। जैसे कैलीग्राफी है, जो मैं कैलीग्राफी लिख देता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से एक फील आता है कि यार बड़ा, जैसे आपने देखा था वो से यस टू एडवेंचर जो मैंने लिखा था वो मैंने कोविड-19 के टाइम्स में लिखा था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार एडवेंचर जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं एडवेंचर में होते हैं, हम क्यों ना करें। तो इस तरीके से आप अंदर घुसिए, अपने अंदर झांको, देखो, अपने पूछो अपने फ्रेंड से, है ना। जैसे तुम मुझे कुछ बताओ कोई एक चीज, जैसे मुझे ये चीज, आपको क्या पसंद है ये बताओ। ड्राइंग और जैसे इयररिंग्स वगैरह बनाना, ऐसी चीजें, स्लीपर्स भी, स्लीपर्स बनाना, इयररिंग्स, स्लीपर्स बनाना अलग अलग, जैसे वेस्ट कपड़ा पड़ा है या वेस्ट कोई चीज पड़ी है उससे। वाओ वाओ वाओ, सी तुम्हारी कितनी अच्छी, देखो इंटरेस्ट तुम्हारा है। देखो तुम, इससे क्या है, इसे हम कहते हैं कि मतलब स्कल्पचर वाले काम है। मतलब जो स्लीपर्स या फिर इयररिंग्स जो तुम बता रही हो, ज्वेलरीज, राइट। सो यार ये तो बहुत ही यूनिक हॉबी बनेगी तुम्हारी। ओके तो बिल्कुल तुम इसको कर सकते हो। ऐसे डिजाइनिंग वाली हॉबी रख लो अपनी, डिजाइनिंग। तो क्या डिजाइन करते हो? सर मैं इयररिंग, ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, ये करती हूँ, डिजाइनर हूँ मैं एक तरीके से अपने उसमें हॉबी में। परफेक्टली फाइन यार, आई एम वेरी हैप्पी। सी स्लीपर्स एंड इयररिंग्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जरूर मतलब मैं भी ऐसे इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है मेरे को बस डिजाइन करने में। So it's a good. I think you got it. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Now I would like to conclude this question answer session with the last question in the chat box. I'm getting from Pallavi. She has explained her situation that वो एक बहुत छोटे गांव से belong करती है और वो दिल्ली आना afford नहीं कर सकती है and she gets demotivated, बार-बार वो demotivate हो जाती है अपनी circumstances को लेके। तो व्हाट वुड बी द गाइडेंस कि वो आगे कैसे चले और किस तरीके से अपने एम को, आईएएस ऑफिसर बनने के एम को वो पूरा कर पाए। तो काइंडली गाइड पल्लवी ऑन दैट। ओके देखो एक्चुअल में सबसे या किसी फिलोसोफर को पढ़ना हॉबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसको तुम ऐसे रीडिंग बुक्स कर सकते हो या इंटरेस्ट इन फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। वेल ठीक है, देखो पल्लवी, हाय पल्लवी। वेल यू कैन, ओके। दिल्ली आने की अब तो मुझे नहीं लगता जरूरत है क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया है। तुम्हारे घर में अगर एक सिंगल रूम है जहां पर तुम पढ़ाई कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस, तब तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है। बढ़िया रहो अपने घर में, ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करो, आंसर भी लिखोगी, टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन है, आजकल तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दिल्ली भी जाओगी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा अब, है कि नहीं? तो वो एक फैक्टर हटा दो। अब तुम किसी भी इंडिया के किसी पिछड़े गाँव में भी अगर हो तो भी तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है कि फैमिली के सर्कमस्टेंसेस। देखो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 234 पीपल हैं। वेल टोटल स्ट्रेंथ काफी हाई है, हमने काफी लोगों को सिलेक्ट किया था, 500 का। वेल आपको अगर फैमिली के सर्कमस्टेंसेस में कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए हमें, ओके। तो सिर्फ मैं एक ऑफिसर नहीं हूँ, बहुत सारे हैं, ओके। आप बिलीव भी नहीं करोगे कितने हैं। सो मतलब IAS, IPS, IRS, IAAS सारी टॉप सर्विसेज के फ्रेंड्स फैमिली हमारे पास है। और अगर आपको जैसे फैमिली की कोई दिक्कत होती है या मनी की फाइनेंशियल, तो आप बताइए हमें, हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ कर सके। दिया फैटर्निटी इसी चीज की तो हेल्प करती है, ठीक है। सो बिल्कुल हम हेल्प कर सकते हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो है नहीं यार कि कोचिंग चल रही है आपके, हम सब एक कम्युनिटी है, वी आर लाइक टुगेदर, ओके। तो आप हमसे बोल देना। और डिप्रेशन जैसे रहती हो तो मैं आपको एक बहुत सिंपल बताता हूँ, हर संडे को मनीष भैया का सेशन आप देखने आओ, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। मैं जब भी डिप्रेस होता था ना, मैं संडे का इंतजार करता था कि देखता हूँ भाई। अब मैं अपने आप को म्यूट कर देता था और मैं सुनता रहता था उनकी बातें। तो मनीष भैया देखो हंस रहे हैं, मनीष भैया को याद होगा, तो सुनो, ओके। ऐसे कुछ है, मनीष भैया ही नहीं और भी बहुत है, मतलब जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। जैसे मुझे तो अच्छे लगते हैं मनीष भैया, बड़ा मेरे को उनको मोटिवेटिंग सा लगता है, और जिस तरीके से एकदम वो उनको एक ऑरेटरी स्किल्स आती है उनको। तो अपने आप चुन लो जैसा आपको सही लगे, यूट्यूब में यहाँ पर कोई एक चीज बना लो। जैसे पता है एक बहुत अच्छी चीज है, बड़ी यूनिक सी यार, मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ ना दौड़ने लगता हूँ, तो दौड़ने से मेरे को काफी वो हुआ था। मैं एनसीसी में था, मैं दौड़ता था बहुत, तो उससे मेरे को एक काफी मोटिवेशन मिलता है। Thank you so much, sir, for clearing our doubts and guiding us all in the very right direction. With that, I would like to request Rajesh Ranjan sir to please take over the program, and I would like to request him to please provide us with vote of thanks and Shanti Park. Thank you.